अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोग की खिदमत में एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज की ब्लॉग में आप लोग देखने वाले हैं मेंस क्लोसेट ऑर्गेनाइजेशन, वो भी विंटर का। विंटर में हम लोग किस तरह से अपने हस्बैंड के कपड़े को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि उनको आसानी से मिल जाए, और कम जगह में ज़्यादा कपड़े किस तरह से ऑर्गेनाइज़ करना, वो सारी चीज़ें मैं आगे में शेयर करूँगी आप लोग के साथ। तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को, साथ के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो को, और शेयर भी कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग गए हुए हैं रेस्टोरेंट में। ये दिल्ली का रेस्टोरेंट है, अल यामीन है नाम इसका। मुगलई है, यहाँ पे नॉनवेज ही मिलती है ज़्यादातर। और ये हम लोग नीचे की तरफ बैठ गए हैं, नीचे वो जो टेबल होता है छोटा सा, वहाँ नीचे जो बैठते हैं उस वाले पे हम लोग बैठ गए, क्योंकि छोटा बाबू है हमारे साथ और डाइनिंग टेबल पे बहुत परेशान करता है, नीचे उतर उतर के बाहर भागता है, फिर उसको पकड़ने में इतना टाइम लगता है, परेशान भी पकड़ता है। तो इसमें खेल रहा है वो, और इसके चारों तरफ रेलिंग भी लगा होता है तो बाहर निकलने का नहीं होता बच्चों को, ये देखिए इस तरह से। तो इसलिए हम लोग इधर ही बैठ गए। उस तरफ डाइनिंग टेबल पर किसी को बैठना है तो वो भी बैठ सकते हैं। यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है, ये अल यामीन का, तो इसलिए इस यहीं पे जाते हैं। वैसे तो काफ़ी दिन के बाद गए हम लोग। तो ये है चिकन मटन बर्रा है, लास्ट में आया था, मंगवाया था हम लोगों ने शुरू में, लेकिन आया लास्ट में, ये जब खाना वाना खा के जब ड्रिंक सब तब आया था ये। और ये मजीटो है, ब्लूबेरी मजीटो बच्चों ने मंगवाया, और ये मैंने मंगाया है मसाला मजीटो, और वही तंदूरी थाली होता है कॉम्बो, तो वो मंगवाया था एक, और बिरयानी वगैरह और रुमाली रोटी वगैरह, बस यही था। दिन के टाइम में हम लोग गए थे लंच करने। ये देखिए बाबू कहाँ पर बैठा हुआ है, और अब आ गए हैं घर, और यहाँ पे पढ़ रहा है नमाज़। इसलिए बोलते हैं कि जब हम लोग नमाज़ पढ़ते हैं तो बच्चे लोग भी कॉपी करते हैं। ये देखिए आप नमाज़ पढ़ेंगे ना तो बच्चे लोग भी कॉपी करेंगे। ये देखिए नमाज़ कितने अच्छे से पढ़ने की कॉपी है ये। इसलिए नमाज़ पढ़ना सबसे ज़रूरी है, नमाज़ तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए किसी भी हाल में। बाहर बाहर रहते तो अलग बात है कि मजबूरी में कभी छूट गया तो छूट गया, लेकिन घर में रह के तो बिल्कुल भी नमाज कज़ा नहीं करना चाहिए। सारे कामों को छोड़ के नमाज पहले पढ़ना चाहिए। और यहाँ पे मैं शेयर करने लगी हूँ आपको, ऑर्गेनाइज करने वाली हूँ, ये मेरे हस्बैंड का कबर्ड। तो ये देखिए अभी कैसे जैसे तैसे पड़ा हुआ है, ऐसे बिखरा हुआ है, तो आज मैंने सोचा इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज़ कर दूं और गर्मियों के कपड़े निकाल के और सर्दियों के अच्छे से रख दूं, ताकि निकालने में और रखने में सब उनको आसानी हो, प्रॉब्लम नहीं हो। तो वही मैं शेयर करूंगी आप लोग के साथ, तो देखते रहिएगा मेरी वीडियो को। अभी मैं सारे गर्मियों के जो कपड़े अंदर है, हाफ़ टी शर्ट वगैरह जो गर्मियों में पहनने होते हैं, वो सारे निकाल लूँगी। और ये आयरन करने के लिए दिया हुआ था बाहर, तो वो आ गया था आयरन करके, तो यहाँ पर मैं उसको अलग अलग करूँगी। सबसे पहले इसमें मेरे हस्बैंड की है ज़्यादातर कुर्ती पजामे जो होती है वो, और मेरे बेटों की हैं, तो वो सब मैं अलग अलग कर रही हूँ यहाँ पे। सबको भी अच्छे से ऑर्गेनाइज करके रखना होगा, उससे भी कबर्ड में उतने सेम ही सारी चीज़ों को मुझे रखना है, ये कुर्ती पजामे भी और जैकेट इनर स्वेटर और बाकी नॉर्मल कपड़े जो होते हैं, ट्राउज़र टी शर्ट वगैरह, वो सारी चीज़ें इसी कबर्ड में ही मुझे सब कुछ रखना है। तो ये देखिए मैंने एक तरफ तो कुर्ती पजामा इधर रख दिया है, और दूसरी तरफ पैंट सब रख रही हूँ, पैंट और शर्ट जो है जीन्स वगैरह वो रख रही हूँ, और ये सारे हाफ टी शर्ट जो है वो सबको तह करके बैग में रख के ना ऊपर रख दूँगी। अब वो जो गर्मी आएगी मार्च के महीने में फिर से निकलेगा, ये नवंबर या दिसंबर में इस तरह से पैक कर लेती हूँ, फिर मार्च में सब निकलता है।
जिसको ज़्यादा जगह नहीं है रखने के लिए तो इस तरह से करना ही पड़ता है। दो बार मेहनत तो लगती है, एक बार जब सर्दियाँ आती हैं और एक बार जब गर्मियाँ आती हैं। इसी बैग में मैं सारी गर्मियों के कपड़े पैक करके रख दूंगी ऊपर। और ये छोटा सा बास्केट है, इसमें सारे सॉक्स और ग्लव्स वगैरह मैं रख देती हूँ। सॉक्स को इस तरह से रखेंगे ना साथ में, इसको इस तरह से अच्छे से, लाइफ एक्स में मैंने देखा था तो इसे गुम नहीं होता और बहुत आसानी से मिल भी जाता है और एक साथ रखा रहता है। ऐसे खुला खुला रखते हैं तो गुम हो जाता ना, एक कहीं, तो इस तरह से मैं रखती हूँ कि गुम नहीं होता। और ये लेदर वाला सॉक्स है, सर्दियों में सदन की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सब कुछ इस बास्केट में ही रख के मैं रख दूँगी अलमारी में सामने में ही, ताकि उनको आसानी से मिल जाए और दिख जाए, ढूंढने ढाने में टाइम पास नहीं हो और गुस्सा गुस्सी नहीं हो। अगर नहीं मिलता है ना हस्बैंड लोग का कुछ भी जल्दी, तो बात बात में गुस्सा गुस्सी शुरू हो जाता है। यहाँ पे इसको रख दिया मैंने, इधर अंधेरा है अलमारी की तरफ, कबर्ड की तरफ। और ये जैकेट सब है, इसको हैंगर में लगा के हैंग कर दूंगी कबर्ड में। सबसे पहले हम लोग को हस्बैंड का काम कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चे लोग का देर होता है तो चलता है, लेकिन हस्बैंड का अगर देर होना तो छोटी छोटी बात पे बहुत गुस्सा आता है और डांट भी सुनना पड़ जाता है। ये देखिए सारे इनर वगैरह हैं, दिल्ली में तो इतनी सर्दियाँ पड़ती हैं कि सारी चीज़ें पहनना ज़रूरी होता है। अभी तो नहीं है सर्दी उतनी, लेकिन जब अब जैसे जैसे दिन गुजरेगा दिसंबर के लास्ट में, और जनवरी में सबसे ज़्यादा सर्दी होती है मेरे ख्याल से, दिसंबर में उतना नहीं होता सर्दी, लेकिन जनवरी में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। उसके बाद फरवरी में भी रहती है, लेकिन लास्ट फरवरी तक कम होने लगती है सर्दी, फिर मार्च में जाके पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है सर्दी का मौसम। आप लोग को आप बताना आपको कौन सा मौसम पसंद है, गर्मियों का या सर्दियों का? जब ज़्यादा गर्मी लगती है तो गर्मी से लोग परेशान हो जाते हैं, जब ज़्यादा सर्दी लगती है तो सर्दी से लोग परेशान होते हैं। सबको पसंद तो बीच का ही मौसम होता है, जिसमें सर्दी नहीं होती और गर्मी नहीं, तो बिल्कुल नॉर्मल मौसम जो होता है, जैसे मार्च का हो गया, नवंबर अक्टूबर सबका हो गया। तो ये देखिए मैंने सबको रख लिया है सारे कपड़े को, और मैं ये हैंग करने लगी हूँ इस पर सारे जैकेट वगैरह के सामने में रहे, जो भी उनको पहनना होगा उतार के पहन के चले जाएंगे बाहर। और ये काम मैं रात में कर रही हूँ, बहुत रात में 12 बजे के बाद, क्योंकि दिन में टाइम ही नहीं मिल रहा था मुझे, रोज़ ही घर के कामों में ही टाइम पास हुए जा रहा था, तो मैंने सोचा ये भी ज़रूरी था करना, कपड़े सब बिखरे हुए थे, तो फिर एक दिन रात में जाग के ही कर लेती हूँ कि ये भी काम हो जाएगा और हस्बैंड का भी गुस्सा करने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे इतना गुस्सा तो नहीं करते, लेकिन हाँ अगर उनको कुछ मिल ढूंढ रहे हो और मिलेगा नहीं जल्दी ना, तब गुस्सा करते हैं, तो गुस्सा करने से पहले ही ये सब काम हो जाना चाहिए। तो ये देखिए हो ही गया मेरा पूरा अलमारी मेरे हस्बैंड का ऑर्गेनाइज। अब मैं दिखाती हूँ खोल के कि किस तरह से किया और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं। तो यहाँ पे जिस तरह से मैंने पहले ही बता दिया कि यहाँ पे हैंग कर दिया मैंने सारे जैकेट वगैरह, कोट वगैरह और वेस्ट कोट जो होता है वो सब, सभी दरी हैंग किया हुआ है। और इधर मैंने इसके बगल में रखा हुआ है ये टी शर्ट है और जीन्स पैंट वगैरह है, शॉर्ट वगैरह सब इधर आयरन करवा के मैं ऐसे ही रख देती हूँ, बाहर से आयरन करवाती हूँ। और ये है कुर्ती पैजामा का सारा सेट जितना है सब उधर, सब आयरन करके पहले से ही रखा हुआ है। और इसमें सॉक्स वगैरह रखी हूँ इस वाले बास्केट में, और नीचे स्वेटर है, नीचे है इधर स्वेटर है और टी शर्ट जो है गर्म वाले टी शर्ट, ये ट्राउज़र है गर्म वाले, जितने ट्राउज़र सब है वो सब नीचे रख दिया। उसके नीचे ये और भी कुछ ट्रैक सूट वगैरह और वो ठंडी वाले टी शर्ट जो है वो, और इसके बगल में
इनर वगैरह जितने इनर है लोअर के और अपर के सारे इनर मैंने नीचे ही रख दिए, सब सामने में ही रखा हुआ कि कुछ भी ढूंढे तो आसानी से मिल जाए। इस तरह से जितने भी कपड़े थे ना सब ऑर्गेनाइज हो गए हैं इसमें मेरे हस्बैंड के। बाकी जो गर्मियों के थे हाफ वाले वो सब मैंने निकाल दिए, बाकी सारे इसी में पैक कर दिए मैंने। तो यहीं तक थी मेरी आज की पूरी वीडियो, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आऊँगी मैं एक नई वीडियो, एक नए कंटेंट या फिर कोई एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।